अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। आज का मौजू बहुत अहम है, वो है AQL पे एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल पर। अब ये AQL क्या है, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। देखिए नाज़रीन, AQL होगा तो ही क्वालिटी का मुवाजना किया जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का। वो पैराशूट्स भी हो सकते हैं, वो पेंट भी हो सकती है, वो शर्ट भी हो सकती है, वो मोटरसाइकिल भी हो सकती है। तो AQL जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंस्पेक्शन करने का एक तरीका लायमल बताता है। तो AQL जो है वो आपकी लाइफ का एक बहुत मेन जूस हो सकता है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को क्रॉस चेक करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं क्या ये AQL पे पूरा उतर रहा है या नहीं। अगर आप समझना चाहते हैं कि QC और QA डिपार्टमेंट की क्या क्या अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो AQL का तरीका ये है कि क्वालिटी अश्योरेंस उसको क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उसमें से कुछ सैम्पल साइज लेती है AQL चार्ट के मुताबिक। QC डिपार्टमेंट ने मान लीजिए 1000 पीस चेक किया, क्वालिटी अश्योरेंस को बुलाया जाता है कि आए और हमारी इस प्रोडक्ट का जिसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने क्रॉस चेक कर लिया हुआ है उसको आके वो इंश्योर करें, यानी कि उसका ऑडिट करें। जब वो ऑडिट करते हैं तो वो बताते हैं कि आया ये हमारे मेयार पे या AQL 2.5, 1.5 या 4 या 6 पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतरा। तो आपको समझ लगी होगी कि QC डिपार्टमेंट क्वालिटी करता है और QA डिपार्टमेंट उसको उसकी QA क्वालिटी की प्रोडक्ट को क्रॉस चेक करता है, इंश्योर करता है AQL के मुताबिक और देखता है कि ये AQL पे पूरी उतर रही है या नहीं। अगर वो AQL चार्ट के मुताबिक जिस लेवल पर क्वालिटी ऑडिट करती है तो देखा जाता है कि ये उस क्वालिटी लेवल पर पूरा उतर रही है। अगर तो वो उसके अंदर अंदर, यानी उसको एक मेजर चाहिए था और दो माइनर चाहिए थे, अगर इतने ही निकले हैं फॉल्ट्स तो ठीक है, लेकिन अगर मेजर 3 निकल आते हैं और माइनर जो है वो 5 निकल आते हैं तो ऑडिटर क्या करता है, क्वालिटी चेकर और प्रोडक्शन को एक जगह पे खड़ा करके उनको बताते हैं कि जी ये आपके फॉल्ट्स हैं जिन पे ये ऑडिट जो है रेफर्ड होता है, तो लिहाजा आप इसको रीचेक करें। और जिन चीज़ों पर QA डिपार्टमेंट ऑडिट को फेल करता है, रेफर्ड करता है, तो उसके ऊपर क्वालिटी प्रोडक्शन मिलकर जो है उन चीज़ा चीज़ों को चेक करती है। मैं मिसाल देता हूँ कि पेंट में 32 ऑपरेशन है, 32 में से 2 ऑपरेशन है जिसके ऊपर कंटिन्यूटी आ गई है प्रॉब्लम की, यानी वेस्ट बेल्ट के ऊपर जंप स्टिच आ गई है और फ्रंट क्रॉच के ऊपर प्लीट आ गई है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंटिन्यूटी में है, तो सिर्फ इन 2 चीज़ों को ही चेक किया जाएगा। जब क्वालिटी और प्रोडक्शन मिलकर इन दोनों चीज़ों को दोबारा से चेक करती है और इस चेक करने के अमल को जब कंप्लीट कर लिया जाता है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को दोबारा से कॉल देती है और कहा जाता है कि आकर हमारे प्रोडक्ट की जो है वो ऑडिट कर लें जिस पर आपने रेफर किया था, हम उसको क्रॉस चेक कर चुके हैं। तो जब ऑडिट जो है दोबारा से चेक किया जाता है QA टीम की तरफ से, तो क्या होता है कि वो जिस चीज़ पे उसने रेफर किया होता है, यानी वेस्ट बेल्ट पे जो जंप स्टिच आई है या क्रोच पे जो प्लीट आई है, सिर्फ इन 2 चीज़ों पे जो है वो ऑडिटर जो है दोबारा से क्रॉस चेक कर सकता है। इसके अलावा वो कंप्लीट गारमेंट दोबारा से चेक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो पहले क्वालिटी की थी उसमें 100% उसने अपनी मर्ज़ी के गारमेंट लिए और अपनी मर्ज़ी से अंदर बाहर सारा क्वालिटी किया, लेकिन जब उसने रेफर किया तो उसने बताया कि ये 2 चीज़ों पे कंटिन्यूटी थी, तो क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन ने मिलकर उन्हीं 2 चीज़ों को क्रॉस चेक किया और जब चेक हो चुका तो क्वालिटी एश्योरेंस को बुलाया गया और प्रेजेंट किया गया। तो अब क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ उन्हीं 2 चीज़ों को चेक करने का जवाब रखती है जिस पर उसने ऑडिट रेफर किया था। ये था वो मरहला जहाँ पर ऑडिट जो है वो फेल हो गया, लेकिन एक ऐसा मरहला है जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल फाइनल से पीस चेक करती है और QA डिपार्टमेंट जब उसको ऑडिट करती है, तो क्या होता है कि उन सैम्पल साइज को जो QA डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किए होते हैं उनमें से AQL के अंदर अंदर 1.5 या 2.5 के अंदर अंदर प्रॉब्लम सिर्फ फाइंड आउट होती है, तो वो क्वालिटी ऑडिटर जो है उसको ओके कर देगा, यानी आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है।
अगर आप AQL और इसके चार्ट को तफसीलन समझना चाहते हैं या आप मज़ीद समझना चाहते हैं कि सैम्पल साइज़ कैसे लिया जाता है, किस तरह से उसका तयन किया जाता है कि मेजर और माइनर हमें कितने चाहिए और कैसे लॉट को रेफर्ड या पास किया जाता है, तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम।